हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम और आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हमें डायग्राम से बहुत सारी चीजें सीखनी है, राइट। और एक चीज मैं आपको पहले से वार्न कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपके डिमांड की कॉन्सेप्ट और सप्लाई चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज मेरी वीडियोस में जाओ, होम पेज पे जाओ, उसके अंदर देखो चैप्टर नंबर 3 जो डिमांड है वो और चैप्टर नंबर 8 यानी सप्लाई, इनको अच्छे से कर लो, क्योंकि इनको किए बिना आप इस चैप्टर को रटोगे समझोगे नहीं। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम चैप्टर के अंदर एंट्री मारे, मुझे सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब बता दो क्या होता है। जी हाँ, मार्केट तो आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि एक वो एरिया जहां बायर और सेलर आपस में इंटरसेक्ट होते हैं और वो एक ट्रांजेक्शन को जन्म देते हैं जिसका नाम होता है सप्लाई और डिमांड। जी हाँ, उस पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या नाम दिया था, मार्केट। क्लियर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है जहां पर हम लोगों को सेटिस्फेक्शन या सेलर को प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। अब हम बात को जोड़ देंगे मार्केट प्लस इक्विलिब्रियम, एक वो एरिया जहां बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, बायर के द्वारा की गई मार्केट डिमांड, सप्लायर के द्वारा की गई मार्केट सप्लाई, दोनों एक दूसरे इक्वल हो जाएं, वो पॉइंट कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों? क्योंकि मार्केट में बायर भी है और सेलर्स भी है। बायर क्या करेगा, डिमांड, सेलर क्या करेगा, सप्लाई। जहां ये दोनों एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे वो पॉइंट हमारे लिए कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो डेफिनेशन क्या होगी, खुद समझो, मतलब रटने की जरूरत नहीं, आप खुद बनाओ। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन और सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड, नॉट इंडिविजुअल डिमांड, आई से मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, राइट। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। और जानते हो मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस डिटरमाइन होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी डिटरमाइन होती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। क्लियर है यहां तक? अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। अब आप एक बार कहो, प्राइस अगर बढ़ेगी, जो प्राइस है वो बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, लेकिन सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते हो प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, जबकि प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। तो अब हम पूरी बात को बोर्ड पे लिखे हुए आंसर से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। तो देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, एट दिस लेवल डिटरमाइन प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिटरमाइन क्वांटिटी इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कुल मिलाकर क्या सीखा कि मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर मार्केट डिमांड बराबर होता है किसके, मार्केट सप्लाई के, और इस लेवल पे जो प्राइस निकलती है उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, इस लेवल पे जो क्वांटिटी निकल के आती है उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं, राइट। नाउ मैं आपको बता रहा हूं 6 नंबर के क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन क्या देते हैं, डिफाइन शेड्यूल डायग्राम कंडीशन लो कंडीशन एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। अब हमने डेफिनेशन कर ली, अब हम बात करें डायग्राम की। यहां देखो प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप जानते हो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, कम होती है। देख लो डिमांड कम हो रही है, 500 यूनिट से 400, 300, 200 और 100 यूनिट्स, राइट। क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, इसलिए हमारा डायग्राम क्या बनता है, डीडी कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। आप देख लो यहां से मैंने 10 पे 500, 20 पे 400, 30 पे 300, 40 पे 400, 250 पे 100। तो देखो डिमांड क्या बना है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सप्लाई कर्व की बात करते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर हमेशा चाहेगा कि बढ़ी हुई प्राइस पे वो सप्लाई ज्यादा करे, क्योंकि बढ़ी हुई प्राइस पे सप्लाई ज्यादा करने से उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए वो बढ़ी हुई प्राइस पे सप्लाई क्या करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। देखो 100, 200, 300, 400 और 500। अब क्योंकि प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए डायग्राम हमारा कैसा बना है, अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। आपको बताया ना पंडित गिरी, अगर दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशन है तो डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग, दो वेरिएबल में अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो यहां इस वाले पॉइंट पर मेरा डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, क्योंकि मुझे कंडीशन क्या चाहिए, वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। तो देखो जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ई बोले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे अगर हम जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी,
और अगर इधर आते हैं तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि आप जानते हो एक्स एक्सिस पर क्या दिए क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर क्या दिए प्राइस. तो ये जो ई पॉइंट है, दिस ई पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट. दिस ई पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. समझ आई बात आपको? दोनों कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट. राइट, नाउ अब हम करेंगे इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन. राइट, बट दोस्तों एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं. वो ये कि जब भी हम एक्सप्लेनेशन को करते हैं तो सबसे पहले अपनी तारीफ करते हैं. पीछे की वीडियोस देखना, मैंने आपको बोला जब भी हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे तो पहले उसकी तारीफ करें. तारीफ में क्या होता होगा, अपने आप के बारे में, मैं कौन हूं. तो देखो इन द अबाउट डायग्राम DD is a demand curve and SS is a supply curve. पहला पॉइंट क्या हो गया, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपने आपको बताओ कौन क्या है. इन द अबाउट डायग्राम DD is a demand curve and SS is a supply curve. पहला पॉइंट होगा. नंबर टू, बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ए. दोनों के दोनों कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट. उससे हम क्या बोलते हैं, अपने पास इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं. और इस पॉइंट पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होती है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस इज रुपीज 30. इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है, 30 रुपीज है. और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, 300 यूनिट्स की. तो ये चीज लिखी हुई है, एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस इज रुपीज 30 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 300. राइट, नेक्स्ट, एट प्राइस रुपीज 10 और 20. अभी इन तीन पॉइंट को पढ़ने के लिए मैं आपको शेड्यूल पर लेकर आऊंगा. राइट, मैं बीच से लाइन हटा लू. अब जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर देखो जो प्राइस हमारी थी 10, तो डिमांड 500 थी और सप्लाई 100. क्या मैं बोल सकता हूं डिमांड ज्यादा थी? 20 रुपीज पर भी देखो डिमांड 400 सप्लाई 200, डिमांड ज्यादा थी, है ना, ज्यादा थी. ये सिचुएशन मेरे लिए कहलाती है, ये दोनों की दोनों सिचुएशन मेरे लिए कहलाएंगी एक्सेस डिमांड. ये दोनों की दोनों सिचुएशन मेरे लिए क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड. क्योंकि यहां पर देखो डिमांड की यूनिट ज्यादा है और सप्लाई की यूनिट्स कम है. तो देखो यही पॉइंट लिखा है मैंने, फोर्थ पॉइंट, एट प्राइस रुपीज 10 और 20 मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. यहां पर आप सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा कर रहे हो. तो ये दो पॉइंट मेरे क्या कहलाएंगे, एक्सेस डिमांड. नाउ नेक्स्ट, अब ध्यान दो, प्राइस 40 पर सप्लाई ज्यादा है और प्राइस 50 पर भी सप्लाई ज्यादा है. इस पॉइंट को हम बोलेंगे अपने पास एक्सेस सप्लाई. इस पॉइंट को हम अपने पास बोलेंगे एक्सेस सप्लाई. राइट, पढ़ो, एट प्राइस रुपीज 40 एंड 50, ये देखो 40 और 50 मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड. सो दिस सिचुएशन कॉल्ड एक्सेस सप्लाई. इसीलिए इस सिचुएशन को क्या होता है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन बोलते हैं. बट दोस्तों उसका क्या, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो, इक्वल हो. आप जानते हो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये बात भूल जाना, इस पॉइंट को ही तो हम बोलते हैं अपने पास इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है. तो देखो एट प्राइस रुपीज 30 मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट. मतलब ये चीज क्लियर आप लोगों को कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. दोस्तों अगर आप डायग्राम में दिखाना चाहते हो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, तो कैसे दिखाओगे देखना जरा. अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख कर रहा हूं क्योंकि मैं दोबारा कर दूंगा इसे. देखो दोस्तों यहां तक की जो सिचुएशन है ना एक्सेस डिमांड की, जो मैं बता रहा हूं वो ये है. ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इस पॉइंट पर देखो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. ये ऊपर वाला जो पॉइंट देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई, क्योंकि यहां पर सप्लाई जो है वो ज्यादा हो रही है. और जो बीच वाला सेंट्रल वाला पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट आपका कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. अगर आप डायग्राम में सारी चीज देखना चाहते हो तो इस तरीके से होगा कि एक्सेस सप्लाई ऊपर होगा, एक्सेस डिमांड बॉटम पे होगा और बीच में सेंटर में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ये हमारे पास तीन केस हो गए. बोलो ये चीज क्लियर आप लोगों, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. राइट, चलो अब मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा. तो ध्यान देना, सबसे पहले अभी हमने चैप्टर का नाम पढ़ा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो हमने क्या पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है. इस पॉइंट पे जो प्राइस डिटरमाइन किया दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस. और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी डिटरमाइन किया दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी.
फिर हमने इसका शेड्यूल बनाया, इसका डायग्राम बनाया और डायग्राम के पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया। आप चाहो तो इसे पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी आप पैराग्राफ में मत लिख कराओ, पॉइंट्स में लिख कराओ, क्योंकि एग्जामिनर के लिए इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है पॉइंट्स में। पॉइंट्स को पढ़ना हमारे लिए ज्यादा फैमिलियर होता है एज कंपेरिजन टू पैराग्राफ्स को पढ़ना, राइट। तो ये था हमारे चैप्टर का नाम, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। कौन सा आएगा ये हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, अभी से नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सिर्फ वही पॉइंट पढ़ के बाकी सब छोड़ दोगे। इसलिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में आता ही आता है, राइट। दोस्तों ये था आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, अब आप इसे जल्दी से नोट कर लो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम में एक सिचुएशन और आती है, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। मार्केट इक्विलिब्रियम में एक दो कंडीशंस आती हैं, एक होता है वियेबल इंडस्ट्री, वियेबल इंडस्ट्री, और एक होता है नॉन वियेबल इंडस्ट्री, नॉन वियेबल इंडस्ट्री। दोस्तों सिर्फ ये आपकी बुक में दे रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज इसका आपके एग्जाम से कोई लिंक नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। तब देखो छोटे से बॉक्स में समझा दूंगा सारी चीजें। देखो दोस्तों वियेबल इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो सकती है, यानी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं वियेबल इंडस्ट्री। तो दोस्तों फिर से देखो, वियेबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर आपकी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं तो करेगी ही करेगी, ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं वियेबल इंडस्ट्री, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन वियेबल इंडस्ट्री। तो दोस्तों देखो, नॉन वियेबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसकी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व का कोई अता पता नहीं होता कि इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, सप्लाई अलग चलती है डिमांड अलग चलती है, कहने का मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, जिनका डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं नॉन वियेबल इंडस्ट्री, राइट। तो देखिए नॉन वियेबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिनमें उनका जो सप्लाई कर्व है वो तो अलग चलता है और डिमांड कर्व अलग चलता है। ये देखो टीडी मैं बना रहा हूं, डिमांड कर्व, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, राइट। एक बार समरी बता दूं, वियेबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिनमें डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं और चांसेस भी होते हैं कि वो करेंगे। दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड वियेबल इंडस्ट्री। नॉन वियेबल इंडस्ट्री क्या होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जिनमें डिमांड और सप्लाई एक दूसरे में सेट करने के चांस बहुत रेयर होते हैं, या कह लो ना के समान होते, होते ही नहीं है, ऐसी इंडस्ट्री को होते हैं नॉन वियेबल इंडस्ट्री, राइट। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो चीजें करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हम लोगों के लिए, राइट। सो आज के लिए मिलते हैं, पीस आउट।